अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज विधिवत आगाज होगा। बाद दोपहर उपराष्ट्रपति महोदय आएंगे जगदीप धनखड़, वो इस गीता जयंती महोत्सव का आगाज करेंगे। इस समय मैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर हूँ। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरह से जो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है लोग श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो चुका है। हालांकि जो अभी सुबह का समय है, भीड़ की यदि बात की जाए तो भीड़ अभी जो है कुछ कम है। जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिस तरह से देखिए ये छत्तीसगढ़ का लेडर का स्टॉल है, उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल का स्टॉल है, तमिलनाडु से जो शिल्पकार आए हैं, ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, ये तमाम जो स्टॉल्स हैं इनका अवलोकन कर रहे हैं लोग। यहाँ से अपना जो है सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी जो है स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर जो लोगों को जो विधिक सेवाएं हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रमों की यदि बात की जाए तो जो उपराष्ट्रपति महोदय जब आएंगे तो सबसे पहले वो जो गीता सेमिनार है वहां पर जो है शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है वो ब्रह्म सरोवर तट पर आएंगे। असम और जो हरियाणा की पवेलियन है जो यहाँ पर बनाई गई है उसका जो है शुभारंभ किया जाएगा, उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। उसके अलावा वो महाआरती में शिरकत करेंगे और उसके बाद जो उनका अंतिम कार्यक्रम है गीता ज्ञान संस्थान में वो जाएंगे और वहां पर जो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंदन महाराज के सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। भीड़भाड़, हालांकि अभी सुबह का समय है, भीड़भाड़ की यदि बात की जाए तो भीड़भाड़ अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और लोग जो है भारी संख्या में आएंगे और यहाँ पर जो जिस तरह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी।